नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जिला मुख्यालय में निराश्रित वृद्ध और वृद्ध दंपतियों के लिए निशुल्क वृद्धाश्रम 3.19 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही इसका शुभारंभ कर जिले के निराश्रित वृद्धों को लेकर सेवा की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर केडी त्रिपाठी ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। ग्वालियर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंधिया पर जमकर तंज कसा है। उनका कहना है कि कर्नाटक में धोखेबाजों को हराने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जनता धोखेबाजों को हराएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश भी हम जीतेंगे। मानसून पूर्व बिजली कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है कि जिसके चलते लगातार 4 दिनों तक चंदन गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसके चलते एक दिन पानी आपूर्ति भी बाधित होगी, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 21 मई रविवार से 24 मई बुधवार तक MPEB के द्वारा सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न फीडर में मेंटेन्स किया जाएगा। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में 6 घंटे आपूर्ति बाधित रहेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमारे नाराज साथियों की तलाश में है। वह हमारे अंदर नाराजगी तलाश रही है। यह हमारे ऊपर है कि हम कांग्रेस को मौका देते हैं या नहीं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा है कि पदाधिकारियों को भी बूथ पर दिखाना होगा, तभी कार्यकर्ता जुटेंगे, वह खुद ही चले आएंगे। आगामी समय में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व देते हुए कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी विधायक संजय उइके को सौंपी है। कांग्रेस ने छात्र विंग NSUI की जिम्मेदारी दलित समाज के युवा विजय भोतेकर को सौंपी है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय उइके और विधायक हीना कावरे ने युवा विजय भोतेकर को NSUI जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। 19 मई को नवनियुक्त NSUI जिला अध्यक्ष विजय भोतेकर की स्वागत रैली शहर में निकाली गई। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।